गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे मैं आप सभी को क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी बुक से चैप्टर टू है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप क्या होता है, फॉर्म क्या होता है और इन पार्टनरशिप फॉर्म के अंतर्गत इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि इस पार्टनरशिप के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं। जैसे इसका इंट्रोडक्शन हो गया, फंडामेंटल्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इसको। इसी चैप्टर के अंदर आप गुडविल, रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन तक इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर काफी बड़ा होने वाला है। पहला टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर से संबंधित वो है फंडामेंटल्स, मीन बेसिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होता है पार्टनर्स, क्या होते हैं पार्टनरशिप और क्या होता है फॉर्म और इन सभी के अंतर्गत इनकी अकाउंटिंग किस तरह से होती है ये हम पढ़ेंगे आज से। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर एक वर्ड है पार्टनर। पार्टनर्स का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी खास तरह के कार्य को करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने यहाँ तीन कैरेक्टर्स ले रखे हैं जो कि चिंकू, मिंकू और टिंकू। हाँ पता है, थोड़ा लाफिंग है, बट ये इन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पर हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मान लीजिए तीन फ्रेंड है या दो से अधिक, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में तीन ले रखा है। सपोज तीन फ्रेंड्स हैं, चिंकू, मिंकू और टिंकू हैं। इन सब ने एक प्लान किया कि हम सब मिलकर एक खास तरह का कोई पार्टनरशिप करके मिलकर के किसी खास तरह के कार्य को करेंगे ताकि हमको प्रॉफिट कमा पाए। इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हम इन तीन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किए हुए हैं। टॉपिक दे रखा हमारा पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है, पार्टनरशिप का मीनिंग बताया गया है। लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ध्यान रखिएगा जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस वर्ड पे फोकस कीजिएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ध्यान दीजिएगा यहां पर्सन नहीं है, पर्सन्स मतलब कि दो या दो से अधिक, हु हैव एग्रीड मतलब सहमति दिखा रहे हैं टू शेयर प्रॉफिट्स, अपने मुनाफे को, अपने फायदे को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए सहमति जाहिर कर रहे हैं किसी एक बिजनेस के अंतर्गत जो चलाया जा रहा है। बाई ऑल सभी के साथ मिलजुल कर या फिर एक्टिंग ऑफ देम, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यह होता है कि कई बार क्या है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में तीन पार्टनर्स हैं चिंकू, मिंकू, टिंकू, तो कई बार क्या होता है कि या तो तीनों पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं या फिर एक पार्टनर कहता है ऐसा है जी हम अपना कैपिटल लगाएंगे, हम पूंजी लगाएंगे और काम आप सब करो, हम एज अ एक्टिव पार्टनर नहीं रहेंगे, हम एज अ आपके साथ बिजनेस में काम नहीं कर पाएंगे, बस सिर्फ हम कैपिटल लगाएंगे, सिर्फ रुपए लगा करके हम एज अ पार्टनर बनना चाहते हैं। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप जो है एक संबंध है दो या लेकिन पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, उन लोगों के बीच की सहमति है जो अनुमति जाहिर कर रहे हैं कि वो अपने फायदे को जो बिजनेस चल रहा है उसके अंतर्गत बांटेंगे और वो कैसे सभी एक साथ बांटेंगे या फिर उनमें से कोई प्रॉफिट तो सब में बांटेगा लेकिन या तो सब मिलकर के काम करेंगे या फिर कोई एक पार्टनर सभी के लिए काम करेगा। इस तरह से आपने देखा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो है आपकी डेफिनेशन क्लियर की गई है। बाकी अगर कोई टॉपिक में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या फीचर्स हैं? तो फीचर्स पहला जो है ये क्या, टू और मोर पर्सन, किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म को बनने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए, जहां पे हमने बताया आपको मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम बैंकिंग सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग केस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन हमने आपको एज अ कॉमन जो मैक्सिमम ऐसा बताया जाता है या पढ़ा जाता है नॉर्मल लेवल पे, तो वो है मिनिमम 2 पार्टनर्स हो या फिर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स
एक पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं। सेकंड नंबर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिनकी सहमति हो रही है एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट दो तरह से हो सकता है, दैट इज ओरल। ओरल का मतलब होगा कि मान लीजिए कि चिंकू, मिंकू और टिंकू तीनों ने सिर्फ आपस में बातचीत करके इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम किसी खास तरह का बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप के अंतर्गत, और हमारे जो भी फायदे मुनाफे होंगे हम अपने हिसाब से बांटेंगे। तो ये होता है ओरल। ओरल मतलब कि मुंह के द्वारा, मतलब कि बोल करके आपस में एक दूसरे की सहमति जाहिर करना। दूसरा होता है रिटर्न, मतलब कि लिखित में। सपोज मान लीजिए कि ओरल है, अगर कल को कोई पार्टनर झुठला दे किसी को, बोले कि नहीं हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, वो मानने को तैयार ना हो, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो होता है वो एग्रीमेंट आपका रिटर्न होता है। और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को हम डीड बोलते हैं। वो एग्रीमेंट जो लिखित में होता है, उस लिखित जो पेपर है उस पे जो लिखा हुआ होता है जो भी डिटेल्स उस पार्टनरशिप के अंतर्गत, उस पार्टनर्स के रिलेशन में, उस डॉक्यूमेंट्स को हम डीड बोलते हैं। तो इसलिए डीड के साथ साथ पार्टनर्स की बात करें इसलिए इसको हम पूरा बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में इसको डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो अब रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। वह लिखित एग्रीमेंट जो कि पार्टनर से संबंधित है उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एसेंशियल नंबर थर्ड कि भाई जो पार्टनरशिप है क्या वो लॉफुल होगा। बिल्कुल होगा। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए कि जो भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं वो कानून की नजर में सही होना चाहिए। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि कानूनी तौर पे सही क्या मतलब क्या क्या हो गया, जैसे कि व्यवसाय कर रहे हैं हम, खरीद बिक्री कर रहे हैं, प्रोफेशन हो गया जिसका, इन दोनों का मोटिव, या इसके अलावा अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें, कंपनी हो गए, पर हम कंपनी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो ये दो तीन कुछ उदाहरण जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हम जो भी काम करें वो पार्टनरशिप के अंतर्गत कर रहे हैं ताकि हमको प्रॉफिट अर्निंग हो। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि पार्टनरशिप जो होता है प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टार्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है। जबकि यहाँ पे नॉट बिजनेस, नॉट बिजनेस मतलब कि वह बिजनेस जो लॉफुल नहीं है, जैसे कि चैरिटेबल जिसमें कि हम दान पुण्य करके कर रहे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर नहीं हो पा सकता। अगर मान लीजिए फंड आया आपको तो आपने चैरिटी किया नहीं किया, यहाँ पे मोटिव आपका सोशल वेलफेयर होता है ना कि आपका प्रॉफिट अर्निंग, इसलिए ये एज अ पार्टनरशिप में लॉफुल नहीं हो पाता। एसेंशियल नंबर फोर प्रॉफिट शेयरिंग कि भाई प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर वन की इफ प्रोविजन इफ नॉट प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब है कि अगर कुछ ऐसा प्रावधान है, सपोज मान लीजिए प्रोविजन इज प्रावधान, कि अगर कुछ ऐसा प्रावधान है कि अगर क्वेश्चंस में या डाटा में या जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज मान लीजिए कि 3:2 है तो इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर 2:1 है तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनकेस अगर प्रॉफिट शेयरिंग अगर आपके क्वेश्चन में दिखा नहीं रखा, मतलब कि लिख कर बताया नहीं गया, तो बाई डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अपने आप आपने एज्यूम कर लेना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बताया तो ये हमेशा ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा क्या होगा बराबर। सपोज मान लीजिए दो पार्टनर है तो यहाँ पे 1:1 और तीन पार्टनर है तो 1:1:1, दैट इज इस्टू भी बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, 1:1:1। होप सो आप सब इस टॉपिक्स को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एसेंशियल नंबर फाइव। लिखा है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, कि या तो पार्टनरशिप बिजनेस सभी के द्वारा मिलकर चलाया जाए, या फिर एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सभी पार्टनर्स के अंतर्गत कोई एक पार्टनर भी एक्टिव होकर के वो सबके लिए काम कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया था चिंको मिंको टिंको का, तो पार्टनर वन, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री है, तो सपोज मान लीजिए या तो तीनों मिलकर के काम कर ले या फिर चिंको इन दोनों के लिए काम कर ले, मतलब कि काम तो एक ही फॉर्म के अंतर्गत होगा लेकिन मिंको और चिंको जो होगा, मिंको और टिंको जो होगा वो एक्टिव नहीं होंगे, वो पार्टनर के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म में तो है बट वो एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे, तो सारा काम चिंको संभाल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस के अंतर्गत या तो बिजनेस सभी के द्वारा मिलजुल कर चलाया जाए या फिर किसी एक या दो के द्वारा भी पार्टनरशिप को चलाया जा सकता है, जो कि दूसरा या तीसरा जो भी होगा पार्टनर वो एज अ इनएक्टिव होगा, जो कि उस रेगुलरली बेसिस पे वो उसमें काम नहीं करेगा, बस उसका शेयर के माध्यम से पार्टनर है। तो यहां पे फाइनली निकल के आया कि पार्टनरशिप डीड क्या हो गया। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि भाई पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, वो हकीकत में पार्टनरशिप बनता है। वो कब बनेगा,
बाई एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट, जब वो लिखित या मौखिक या लिखित स्तर पे एग्रीमेंट हो सकता है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड जो है वो बन सकता है, ओरल भी बन सकता है या रिटन भी हो सकता है। लेकिन अब आपको पता है ओरल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन रिटन का भरोसा है, इसीलिए लिखा है इट इज बेटर टू हैव। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह लिखित में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इससे अवॉइड एनी डिस्प्यूट, अगर भविष्य में कोई मतभेद होता है तो उसको सुलझाया जा सकता है। सपोज मान लीजिए कि आपके घर के आस पड़ोस में, आपने देखा होगा कई बार एग्जाम्पल्स वगैरह में, कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति था और वो अपने बुजुर्ग टाइम पे या बुढ़ापे में वो अपने जमीन के कागजात वगैरह अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और वो चल बसे सपोज मान लीजिए, तो उसके बाद बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है। कई बार देखा होगा आपने कि इतना शेयर हम लेंगे, इतना शेयर हम लेंगे प्रॉपर्टी का। तो इससे अच्छा क्या होगा अगर उनके पिताजी मरने से पहले अगर वो एग्रीमेंट बना देते, एक पार्टनरशिप या उस प्रॉपर्टी का डीड बना देते रिटन में, तो इससे आगे चल के उनके मरने के बाद कोई डिस्प्यूट्स नहीं होते, कोई मारपीट या कोई भी असहमति नहीं रह पाती। तो इसलिए पार्टनरशिप अगर रिटन में हो तो ज्यादा बेहतर है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार, जो डीड है एक पेपर है जिसपे कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, वही टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है वो आपके सामने कुछ पॉइंट्स है जो शेयर करना चाहते हैं। तो जो ये पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप डीड में जो पहला पॉइंट है वो होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि भाई जिस नाम से पार्टनरशिप चल रहा है उसका नाम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हम आपको पीआर कॉमर्स क्लासेस के नाम से पढ़ा रहे हैं, कोचिंग है तो इंस्टीट्यूट है, तो ये एज अ नेम हो गया और एड्रेस जहां भी उसका कोचिंग सेंटर होगा वो उसका एड्रेस हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंतर्गत तो उनका नेम एड्रेस अलग हो सकता है। अब प्लेस ऑफ बिजनेस, कि भाई बिजनेस का स्थान क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स अभी हमने ऊपर बात किया नेम और एड्रेस ऑफ फॉर्म, बिजनेस का मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म का नाम और उसका एड्रेस, जबकि यहाँ पे उस फॉर्म को चलाने वाले जितने पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स का नेम और हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल एड्रेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस किस तरह का किया जाए, जैसे कि हमारा एजुकेशन है, किसी का आपका ग्रोसरी हो गया, किसी का डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल हो गया, प्रोडक्ट्स वगैरह, इस तरह से नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके में किया जा रहा है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप कब स्टार्ट हो रहा है, कमेंसमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि भाई जितने भी पार्टनर्स है वो कितना कितना कैपिटल उस पार्टनरशिप फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, क्लियर होता है, और वही जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस पर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये भी क्लियर होता है, कि इंटरेस्ट इन कैपिटल, कैपिटल जो पार्टनर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर सपोज मान लीजिए पार्टनर्स के पास कुछ कमी होती है अमाउंट की, रुपीज की, तो वो अगर फॉर्म में से निकालते हैं तो निकाले हुए अमाउंट को हमको पता है पर्सनल यूज के लिए निकाले तो ड्रॉइंग हुआ, तो ड्रॉइंग पे उनको मिस पार्टनर्स को फॉर्म ने पार्टनरशिप के अंतर्गत पार्टनर्स फॉर्म को कितना इंटरेस्ट पे करें, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अपने प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी क्लियर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपका इक्वली होता, अगर दे रखा है तो उसके हिसाब से बांटा जाएगा। 10th नंबर है सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स, कोई पार्टनर अगर एक्टिंग कर रहा है मतलब काम कर रहा है या सभी मिलकर काम कर रहे हैं उनकी पर्टिकुलर सैलरी या उनको कमीशन क्या मिलेगा उस फॉर्म से। इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ लोन का मीनिंग ये है कि अगर फॉर्म में से कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए या लोन लेता है किसी काम के लिए तो उसे लोन पे वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा फॉर्म को। 12th नंबर, कि भाई अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट तो कभी भी हो सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर होता है जिसको फॉलो करना होता है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, जो कि किसे क्या बोलते हैं 1 अप्रैल से लेकर वो 31 मार्च तक चलता है, जो कि यहाँ पे 1 अप्रैल और 31 मार्च का मीनिंग है कि 27 अभी करंट का अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2020 तो ये चलेगा 31 मार्च 2021, दैट इज अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है ये। नेक्स्ट जो डीड में जो बातें लिखी हुई होती है वो लिखा होता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, भाई पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं ये लिखे होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप कब तक चलेगा, अब इसका मीनिंग ये हुआ कि बहुत सारे पार्टनरशिप होते हैं जो पर्टिकुलर किसी खास तरह के महीने के लिए, साल के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है अभी गर्मी की छुट्टियां, खैर इस साल की छुट्टियां तो भूल ही जाइए आप सब, सपोज मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम है 2-3 पार्टनर्स के पास, लाइक
एग्जाम्पल में चिंको मिंको टिंको के पास 6 महीने 7 महीने टाइम है, वो चाहते हैं कि उस 7 महीने के खाली समय में वो कुछ बिजनेस करे जिसमें अपना कुछ डीड बना करके वो उसे प्रॉफिट अर्निंग करने की कोशिश करे, तो दैट इज द टाइम पीरियड, दैट इज ड्यूरेशन, दैट इज 6 मंथ और मे बी 1 ईयर 2 ईयर, या बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, डैम बनते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट तो बनाती है, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ पार्टनर्स मिलकर के इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करते हैं, तो उनका भी एक प्रोजेक्ट का एक ड्यूरेशन होता है, लाइक 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर इस टाइप, दैट इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनर्स। 15 पॉइंट, दैट इज बैंक अकाउंट ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन वो मेडिकल सेक्टर वाला नहीं है, चीर फार वाला, यहाँ पर ऑपरेशन मतलब की कार्य है, मतलब की पार्टनरशिप के अंतर्गत बैंक अकाउंट मतलब की बैंक से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो कौन सा पार्टनर ऐसा होगा जो उस काम को संभालेगा, मतलब कि अगर चेक पे साइन करनी है तो क्या तीनों पार्टनर साइन करेंगे, दोनों पार्टनर साइन करेंगे, कोई एक के करने से भी चल जाएगा, मतलब कि बैंक से रिलेटेड जितने भी पार्टनरशिप के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उस काम को कौन देखभाल करेगा। और दैट इज लास्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब अगर इनके फ्यूचर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो वो किस तरह से सुलझाए जाएंगे, ये सारी बातें भी लिखी हुई होती है डीड में। हो सकता है 2-3 पॉइंट्स और भी हो या ना भी हो, तो इतने पॉइंट्स को हम अभी कवर करते हैं, बाकी पॉइंट्स अगर आपके टेक्स्ट बुक में होगा तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, या फिर अगर आप उसमें बुक्स में भी कोई आपको डाउट होता है तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस तरह से हम एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे, जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स वगैरह बहुत लेट से खुलेंगे, जिसकी वजह से जब खुलने के बाद फिर टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा स्कूल वगैरह में, तो आप कोशिश कीजिए कि अभी से इस बातों को पढ़ते हुए चलिए, ताकि आगे चल के कोई ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़े, आपको हल्का फुल्का पहले से पता हो। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक, दैट इज एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए गए, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर ओरल है, तो ओरल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम मान के चलिए कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाया गया या पार्टनरशिप डीड का जिक्र नहीं किया गया, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, कौन कौन चीजें जो फॉलो नहीं करना। सपोज पहला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे, और कुछ भी नहीं दिया तो दैट इज इक्वली, वो आपका इक्वल जाएगा। सेकंड वन इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से मतलब फॉर्म से कोई पार्टनर लोन लेता है तो उस लोन का इंटरेस्ट अगर डीड में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग देंगे, नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम, मतलब साल में 6% उस लोन का जो पार्टनर ने फॉर्म से लिया उसके ऊपर थी उसके ऊपर उसको 6% फॉर्म को पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट। थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, क्यों, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है मतलब कि वो उसकी जिक्र नहीं है, वो उसकी बात नहीं कहीं लिखी गई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे भी नहीं करना पड़ता फॉर्म को, क्योंकि पार्टनर्स ने फॉर्म को पेमेंट भी नहीं करना, और साथ ही साथ रेमुनेशन या सैलरी जो होती है पार्टनर्स को वो भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में आपके पार्टनरशिप डीड दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है एंट्री सैलरी वगैरह सब लिखा होता है लेकिन डीड का एब्सेंस जाहिर कर दिया जाता है, जिसे बच्चे ध्यान देते नहीं है और फटाफट सैलरी इंटरेस्ट ड्रॉइंग सब फटाफट एंट्री करने लगते हैं, इसकी वजह से वो गलत हो जाता है एंट्री, क्वेश्चंस का सोल्यूशन गलत हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर डीड में सब कुछ लिखा है तो उसको फॉलो करेंगे, अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट की दैट इज ये सारी चीजें जो हो गई वो बाय डिफॉल्ट हो गया, मतलब कि अगर कुछ नहीं कहे तो एब्सेंस मतलब कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो उसके गैर मौजूदगी में जो चीजें मिलेंगी मात्र इतना ही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बटेगा और लोन पे इंटरेस्ट पार्टनर्स ने फर्म को 6% देना होगा। अच्छा एक नया पॉइंट जो है या इम्पोर्टेंट ये है ध्यान देना आपको कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनर्स के लोन पे इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट से पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट निकलता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स मतलब कि पार्टनर्स ने जो लोन ले रखा है फॉर्म से उसका इंटरेस्ट जो होगा वो प्रॉफिट के आधार पे निकलता है, प्रॉफिट से निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट मींस इंटरेस्ट इज पेएबल इवन इफ देयर इज लॉस, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर प्रॉफिट ना होकर अगर लॉस होता है तो लॉस होने के बावजूद भी फॉर्म को लोन का अमाउंट
पे करना ही पड़ता है। ये लॉसेस के बाद रही बात कि लॉस हो गया तो कैसे पे करेगा, तो उसको या तो उसके शेयर्स उसके कैपिटल के अमाउंट्स को पे करना होगा, या फिर अगर प्रॉफिट नहीं है तो, या फिर उसके पर्सनल असेट्स को सेल करके भी फर्म के लोन को चुकाना पड़ेगा। इस तरह से देखा आपने कुछ टॉपिक्स को जो कि ये फंडामेंटल के अंदर हमने इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा। सो आप सभी इन सभी टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आज पार्टनरशिप चैप्टर का स्टार्ट किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो अगर बेस क्लियर होगा तो आगे के सारे क्वेश्चंस इजी वे में आपको समझ में आते जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं रह पाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, चिंकू मिंकू टिंकू। अच्छा एक बात यह है कि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई फॉर्म क्या होता है और पार्टनरशिप पार्टनर क्या होता है। तो एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर जितने भी पार्टनर्स काम करते हैं, लाइक चिंकू मिंकू टिंकू, ये तीन पार्टनर हैं, तो पार्टनर पार्टनर पार्टनर, तो ये इंडिविजुअल पार्टनर है, ये इंडिविजुअल पार्टनर। अगर हम एक की चिंकू की बात करते हैं, ये इस पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा है, एक सदस्य है, दैट इज पार्टनर। मिंकू भी पार्टनर है, टिंकू भी पार्टनर है, लेकिन अगर इन सभी को एक साथ अगर हम बात करें, दैट इज फॉर्म। इसीलिए इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है इसे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी फॉर्म और पार्टनरशिप में या पार्टनर्स में इन तीन शब्दों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यहां ये सारे पर्सन चिंको मिंको टिंको जो है वो तीनों इंडिविजुअली पार्टनर हैं, पार्टनर पार्टनर पार्टनर, लेकिन कलेक्टिवली मतलब कि इन तीनों को मिला करके ये एक फॉर्म का निर्माण करते हैं। सो आपने जाना कि पार्टनर क्या होते हैं। पार्टनर जो होते हैं वो दीज आर द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द फॉर्म। ये एक फॉर्म के इंडिविजुअल की अकेले अकेले जो सदस्य सिंगल एक जो पर्सन है, दैट इज नोन एज पार्टनर। और जो फॉर्म जो हो गया वो इट रेफर्स टू द कलेक्टिवली ऑफ ऑल मेंबर्स, कि भाई सभी मेंबर्स को एक साथ देखा जाए, दैट इज नोन एज फॉर्म। इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप शिप मतलब कि एक साथ मिलकर के, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। चलिए कुछ बातें और हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। भाई पार्टनरशिप एक्ट जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी प्रोविजंस है कुछ खास तरह के, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। भाई माइनर, माइनर का मतलब होता है 18, 18 बिलो। भाई जो भी छोटा पर्सन है, जैसे छोटा पर्सन है जैसे जो 18 साल का उम्र का जो कोई लड़का है लड़की है, तो क्या वो पार्टनरशिप जी बिल्कुल बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है कि पार्टनर जो होते हैं वो एडमिट हो सकते हैं, मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को किसी खास तरह के बेनिफिट्स के लिए। और ये ज्वाइन तभी कर पाएंगे जब बाकी पार्टनर्स मतलब जो पहले से जो पार्टनर्स हैं वो अगर कंसेंट मतलब कि सहमति दिखाते हैं कि भाई ठीक है चलो छोटा जो माइनर है वो आ जाता है, और सभी एग्रीमेंट मतलब सभी एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर वो कंसेंट दिखाते हैं, जो अगर वो सहमति दिखाते हैं कि चलो ठीक है भाई 18 बिलो जो पर्सन है उसको लाओ पार्टनरशिप में, और सहमति हो तो वो एज आ सकता है। अब रही बात कि भाई 18 बिलो को पार्टनरशिप में लाना क्यों, आप देखते होंगे बहुत सारे एक्टर टीवी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, छोटे कम उम्र के सिंगर्स वगैरह होते हैं, वो एज अ ब्रांड होते हैं, तो उनको ऐसा किसी पर्टिकुलर फॉर्म में एज अ पार्टनर बनाने से क्या होता है कि उनकी गुडविल बढ़ जाती है। तो इस सेंस में भी छोटे माइनर्स को एज अ पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन कराया जाता है, एडमिट किया जाता है, ताकि उससे उस पार्टनरशिप को बेनिफिट मिले। और ये एक माइनर पार्टनरशिप में तभी आएगा जब बाकी पार्टनर्स जो पहले के जो पार्टनर्स हैं उस फॉर्म के, वो अगर सहमति दिखाते हैं तब, दैट इज सहमति। ये बात है सेक्शन 30 मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 में लिखा हुआ है। सेकंड वन, अ पार्टनर मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। भाई क्या एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर आ सकता है, वो भी कब, जो पहले से पार्टनर्स उनके कंसेंट से। ऊपर हम बात कर रहे थे माइनर के एडमिट होने की,
अब यहाँ पे कोई भी पर्सन जो 18 प्लस है उसकी बात हो रही थी, यहाँ 18 बिलो की बात हो रही थी, यहाँ 18 अबव की बात हो रही है। तो क्या कोई पार्टनर किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म में, क्या वो एज अ पार्टनर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इसमें भी क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, में सहमति चाहिए किसकी, सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो पहले से पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर है उनके सहमति से ही किसी तीसरे या चौथे को लाया जा सकता है, या फिर अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट में लिखा है तो भी हम उसको एडमिट कर सकते हैं। और थर्ड वन कि क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज ऑप्शनल और नॉट कंपल्सरी, मतलब कि क्या जो रजिस्ट्रेशन है एज अ पार्टनरशिप फॉर्म में तो क्या उसको हम ऐसा ऐड करना है कि नहीं करना है। तो आपने यहां देखा जी, आपने यहां देखा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपका ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आपने अपने फॉर्म का किसी पर्टिकुलर नेम से रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है। ये बातें जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 69 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग का या अकाउंट्स का, कि भाई कौन कौन सा अकाउंट्स पार्टनरशिप के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। तो ये पार्टनरशिप के अंतर्गत इन सभी चीजों को बनाया नहीं जाता, क्योंकि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑटोमेटिक दिया गया होगा। तो यहाँ पे आपको एक छुटकारा मिल गया कि भाई ट्रेडिंग पार्टनरशिप जो सॉरी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो आपको नहीं बनाना पड़ेगा। तो आपको बनाना पड़ेगा वो दो नया अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिससे आपको ये पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के भी पार्टनर्स को कितना सैलरी मिलना है, कितना क्या मिलने वाला है और उनका कैपिटल कितना है, और फाइनली बैलेंस शीट निकालना। तो आपको इस चैप्टर में पार्टनरशिप में यही तीन चीजें निकालने को सीखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट इनके आधार पे। तो ये भी बहुत कम ही मिलेगा, मैक्सिमम आपको ये दो अकाउंट बनाना सीखना है। तो ये टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट क्लासेस में सिखाया जाएगा। सो एक और पॉइंट जो है जो वो कि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको कि पार्टनर्स विल गेट, पार्टनर को क्या मिलेगा और चार्ज फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर ने क्या देना पड़ेगा, तो पार्टनर को क्या मिलेगा और पार्टनर ऐसा फॉर्म को क्या देगा। तो यहाँ पे अगर पार्टनर को मिलेगा तो कहने का मतलब कि फॉर्म देगा तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, अब पार्टनर अगर देगा तो फॉर्म के लिए यहाँ इनकम बन जाएगा। सपोज मान लीजिए कि अगर आपको अगर पापा ने अगर आपके फादर ने आपको 100 रुपीज दिया तो आपके लिए तो इनकम हो गया 100 रुपीज, लेकिन फादर जी के लिए क्या हो गया, वो ऐसा एक्सपेंस हो गया। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को समझेंगे कि फॉर्म और पार्टनर दोनों चीजें आपको पता है क्या होता है। तो फॉर्म के लिए एज अ पार्टनर एज अ स्टाफ होगा जो कि फॉर्म को चला रहे हैं, तो पार्टनर को जो मिलेगा वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा और फॉर्म को जो मिलेगा वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंस फॉर फॉर्म, फॉर्म के लिए एक्सपेंस क्या होगा, सैलरी टू द पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन देना, क्यों, क्योंकि पार्टनर काम करेगा तो उसको बदले सैलरी लेगा, कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट लेगा, कमीशन लगाया लेगा काम किया तो। और फॉर्म को एज अ इनकम क्या होगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर्स फॉर्म से कुछ पर्सनली उसके लिए अमाउंट निकालते हैं दैट इज ड्रॉइंग करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेगा वो फॉर्म के लिए इनकम होगा। सो इतना टॉपिक आज के लिए पढ़िए, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, और इस टॉपिक को दोबारा पढ़िएगा। अगर समझ में ना आए आप हमें कमेंट, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, कोशिश करेंगे हम कि आप सभी को एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाए। थैंक यू।